हेलो एंड वेलकम टू दुबई लाइफ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दुबई लाइफ में। और आज मैं आपको सबसे पहले विश करना चाहती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ वसंत पंचमी की। आज का दिन जो है वो सरस्वती वंदना का दिन है, जो विद्या की देवी, कला की देवी है, उनका हम वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पीले कलर का खास तौर पे महत्व होता है, हम पीले फूल चढ़ाते हैं या पीली खाने की चीज़ें बनाते हैं। और आप देख सकते हैं मेरा जो आउटफिट है वो भी आज पीले कलर का है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपने व्यूअर्स के लिए कुछ चटपटी चाट बनाई जाए। तो मैं तीन तरह की चाट जो है वो आपके लिए आज बनाने जा रही हूँ। एक तो है सैंडविच चाट, पहली बार सुना होगा आपने। दूसरी है लौकी चने की दाल की चाट। दाल चावल तो आपने बहुत खाए होंगे लौकी चने के, बट ये चाट आप पहली बार खाइएगा, बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है। और तीसरी है नैचोस और एवोकाडो की चाट। तीनों ही चाट बनाना बहुत बहुत आसान है। सबसे पहले सैंडविच चाट के लिए जो है आलू का मसाला जो है हम तैयार करेंगे। बॉयल्ड आलू है, उसको अच्छी तरीके से मैश करेंगे। उसमें थोड़ा सा अनियन डालेंगे, थोड़ा सा अनियन, चाहे तो आप टमेटो भी उसमें थोड़े बहुत ऐड कर सकते हैं, जिन लोगों को टमेटो ज़्यादा पसंद है। और हरा धनिया है मेरे पास, तो हरा धनिया मैंने डाला। इसमें मैं डालूंगी अब सॉल्ट, लाल मिर्च, और टेस्ट के लिए जो भी मसाले आप डालना चाहें वो इस आलू में जो है वो आप डाल सकते हैं। सारे मसाले डालकर जो है वो मैश कर लिए हैं। और अब इसको मैं ब्रेड पर इस मसाले को, तैयार मसाले को बस लगाऊंगी। देखिए आप बनकर तैयार हो चुकी है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आमतौर पर क्या होता है, कई बार ही हमारे ब्रेकफास्ट में या घर में सैंडविच बनती है और बच जाती है, तब ये रेसिपी जो है आप ट्राई करेंगे तो आपको और मजा आएगा। बट क्योंकि मुझे अपने व्यूअर्स को दिखाना था, इसलिए मैंने सैंडविच अभी बनाई है, गर्मा गर्म सैंडविच है। तो इसको हम थोड़ा सा जो है ठंडा करेंगे, उसके बाद में इस पर गार्निशिंग और इसको बिल्कुल चाट वाला एक लुक दूंगी। पीसेस भी, टुकड़े भी छोटे छोटे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटे टुकड़े कर रही हूँ ताकि खाना सर्व करने में बहुत आसान होगा, खाने में भी आसान होगा। तो इस तरीके से सैंडविच के मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं। तो इस तरीके से मैंने पीसेस किए हैं। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने दही जो है वो फेंटा हुआ था, उसको मैं डालने वाली हूँ इस तरीके से। दही की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा कम रख सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दही पसंद होता है चाट में, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक राउंड जो है वो पहला दही का जो है वो डाल दिया है। अभी मैं इस पर डालने वाली हूँ थोड़ी सी प्याज, ऐसे कटी हुई प्याज है ये, और थोड़े से टमाटर, हरी चटनी जो कि मैंने पहले से हरी चटनी बनाई हुई है धनिया और पुदीने की, तो उसको मैं इस तरीके से इस चाट के ऊपर डाल रही हूँ। और अब मैं डालूंगी इसमें मीठी चटनी। मीठी चटनी जो है इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है, इसके बिना तो कोई भी चाट जो है वो पूरी नहीं होती है। तो अब ये मीठी चटनी की बारी है। काले नमक के बाद इसमें हल्का सा जीरा डालेंगे, भुना हुआ जीरा है ये, और थोड़ा सा हरा धनिया। इस तरह से हरा धनिया जो है वो किसी भी डिश में जो है वो चार चांद ले आता है, इतनी कलरफुल लगती है हर डिश। थोड़ी सी हम इसमें नमकीन से इसकी गार्निशिंग करेंगे, कोई भी आप मिक्स नमकीन ले सकते हैं, घर में होती है मिक्स नमकीन। और ये प्लेन सेव है, इसको मैं ऊपर से डाल रही हूँ इस तरीके से, और थोड़ी सी पापड़ी, ऐसे थोड़ा चाट वाला एक लुक आएगा अच्छे से। और ये हमारी पापड़ी मैंने लगा दी है थोड़ी बहुत, थोड़ा सा हरा धनिया एक बार फिर से। और आप देख, ये जो ब्रेड चाट है ये आपको दो चीज़ों का टेस्ट देगी, एक तो आलू की टिक्की का और दूसरे दही बड़े का। इन दोनों चीज़ों का जो मिली जुली जो चाट होगी वो होगी आपकी ब्रेड चाट। उन दोनों चीज़ों का फ्लेवर आई एम श्योर आपको इसमें आने वाला है। ज़रूर ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी।
चलिए अब दूसरी रेसिपी की तरफ हम बढ़ते हैं और बनाते हैं अपनी दूसरी चाट जो कि बहुत ही आसान है। हमारी दूसरी चाट जो है वो बहुत ही आसान चाट है, वो है लौकी चने की दाल, जो कि अक्सर हम चावल के साथ ये दाल बनाकर खाते हैं, बट लौकी चने की दाल की चाट आपने पहली बार सुनी होगी। ये चाट बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत न्यूट्रिशियस होती है, क्योंकि इसमें एक तो लौकी है, दाल है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये मैंने जो है पहले से बॉईल करके रखी हुई थी ये लौकी और दाल, इसको मैं इस बोल में डाल रही हूँ और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, अनियन। इसमें मैंने ये डाला प्याज, इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ ये टमाटर, थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें मीठी चटनी भी, और वी गिव इट अ गुड मिक्स। अगर आप सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली, बिकॉज चटनियों में ऑलरेडी सॉल्ट है और दाल को बॉईल करते में भी मैंने सॉल्ट डाला था, इसीलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो है ऐड नहीं किया है सॉल्ट। तो ये इस तरीके से हमारी चाट जो है झटपट तैयार भी हो गई। देखिए इसको धनिए से हम गार्निश करेंगे, आप चाहें तो इसमें दही वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन ये चाट ऐसे ही खाने वाली है, और इसको थोड़ा सा अगर गार्निश आप करना चाहते हैं तो इसको ये सेव से थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं आप इस तरीके से। बाकी ये चाट अपने आप में ऐसे ही फ्लेवरफुल है, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही आसान मिनटों में बनने वाली ये चाट है, और ये आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं, इट्स वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस। तो ये हमारी थी चने की दाल लौकी की चाट। तीसरी जो चाट है वो भी बहुत आसान है, वो भी मिनटों में बनने वाली है, वो है एवोकाडो और नाचोस की चाट। अगर आपके पास एवोकाडो अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी वेजिटेबल्स लाइक बेल पेपर या कॉर्न ऐड करके भी ये चाट जो है बहुत आसानी से नाचोस के साथ बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एवोकाडो ऐड कर रही हूँ, तो ये मेरे पास फ्रेश एवोकाडो है, इसको मैंने पहले से काट कर इसलिए नहीं रखा क्योंकि एवोकाडो बहुत जल्दी जो है ब्लैक हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रेश एवोकाडो अभी आपके सामने काटा, और अब देखिए मैं कैसे इसकी जो है इसको इस तरीके से स्पून से मैंने निकाला, एंड आई हैव पुट इट इनटू द बोल लाइक दिस, अगेन सेकंड पार्ट। एवोकाडो इज वेरी वेरी गुड फॉर हेयर एंड स्किन, बहुत अच्छा होता है ये, और अगर हमारे पास ये नहीं भी है तो भी हम दूसरी वेजिटेबल्स डालकर इस चाट को बहुत ही न्यूट्रिशियस, हेल्दी और टेस्टी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस एवोकाडो के अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ सॉल्ट, लिटिल सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। एवोकाडो के अंदर अगर आप ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये यहाँ मैंने किया ब्लैक पेपर ऐड, लिटिल लेमन। लेमन डालने से एवोकाडो, हमेशा याद रखिएगा, लेमन डालने से एवोकाडो कभी ब्लैक नहीं होता। तो एज सून एज यू कट द एवोकाडो जस्ट ऐड लेमन एंड सॉल्ट, वो जल्दी ब्लैक नहीं होगा फिर। एंड अगेन इस चाट में मेरा फेवरेट कटा हुआ प्याज एंड टमेटोज, ये ऐड कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, फ्रेश कोरिएंडर, और इसको हमें अच्छे से स्मैश करना है। ये एवोकाडो का जो मिक्स है वो आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है, इसमें बस मुझे अब ये नैचोस को ऐड करना है, इसको आप तोड़ तोड़ कर इस तरीके से डाल सकते हैं। ये जो है मैंने इसमें नैचोस को इस मिक्सचर में ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो इसमें जो है क्रिस्पी सॉफ्ट दोनों जो है वो टेक्सचर इस चाट में आपको मिलेंगे, और बहुत अच्छा। आप चाहें तो इसमें चटनियाँ वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट ये चाट अपने आप में ऐसे ही बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी लगेगी।
तो आई डोंट सजेस्ट एनीथिंग टू ऐड, बस आप थोड़ी सी टॉपिंग कर सकते हैं इसमें जो कि वो अच्छी लगेगी, टेस्टी भी लगेगी। और ये जो है हमारी नैचोस की जो चाट है वो आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है। तीसरी चाट भी रेडी हो चुकी है, एवोकाडो और नैचोस वाली चाट। देखिए कितनी हेल्दी और न्यूट्रिशियस चाट है ये, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो आपके पास ये छोटी छोटी जो है झटपट बनने वाली जो चाट्स है वो रेसिपीज अब आ चुकी हैं, आप ज़रूर 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 इन्हें घर पर ट्राई करें और बताएं मुझे कमेंट्स पे ये कैसी लगी आपको। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से आपको लेकर चलूंगी एक और एक्साइटिंग जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वसंत पंचमी।